नमस्कार, मैं हूं कन्हैया कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज सच तक। मैं अभी खड़ा हूं कारीचक गांव के वार्ड नंबर 8 में और यहां पे लगभग काफ़ी घरों में आग लग गई, जहां पे लाखों की संपत्ति जल के राख हो गई है। चलिए, इस गांव के प्रतिनिधि जो कि मुखिया जी के रूप में है, मैं उनसे बातचीत करूँगा आखिर ये आग कैसे लगी और यहाँ पर अभी तक कौन कौन से प्रतिनिधि पहुँचे हैं और इनको मुआवजा के रूप में क्या क्या मिलेगा। के जो मुखिया जी है, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा, वही बताएंगे इस गांव की और जहां पे आग लगी है यहां की सारी कहानी। नमस्कार सर। सर्वप्रथम सर यहां पे आग सर कैसे लगी है? देखिए, खाना बनाने के क्रम में 11:30 बजे चिंगारी चूल्हा से निकली और फूस का घर था, एक घर में लगी, धीरे धीरे चारों घर को समेट लिया गया। जब तक ग्रामीण को जानकारी मिलती, ग्रामीण के साथ साथ बभिनगमा के हमारे भूमियार भाई फुलकारी से, हसनपुर से तमाम लोग हम लोग दौड़े। दौड़ के क्रम में, बुझाने के क्रम में किसी चीज़ को हम लोग बचा नहीं पाए, बस इतने बचा कि बगल के और घर बच गया। हम लोग यही काम कर पाए कि और घर को बचा लिए, लेकिन बेचारे के घर में रुपया था, जेवर था, एक के बच्चे को शादी करनी थी, एक महीना के अंदर शादी थी, तमाम रुपया जल गया, तमाम पैसा जल गया। एक को घर बनाना था, लकड़ी बहुत ज़्यादा लकड़ी थी घर में, तमाम लकड़ी जल गई, एक चीज़ नहीं बचा। सर, सुनने में आया कि इस आग लगी में लाखों की संपत्ति जल के सर राख हो गई है, इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? जो बोल रही बेचारी सही बोल रही, चूँकि हम, मेरा पुराना घर यही है, बगल में है, यहीं से उठ के हम 13 नंबर वार्ड में गए हैं और ये अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक है, ये साफ फकीर कहलाता है। इन लोगों का पेशा है मांग करके खाने का। सर, आप प्रतिनिधि के द्वारा आखिर जिनका घर यहाँ पे मतलब आग में मतलब पूरा खत्म हो गया है, सर आप प्रतिनिधि के द्वारा इनको सहायता के रूप में सर क्या दिया जाएगा? सर, यहाँ पे जो आग लगी है सर, वो कैसे लगी है और इस पे आम प्रतिनिधि लोग जो भी हैं या फिर आए? लगभग 4-5-6 घर जला है, पूरा सामान लग गया। प्रतिनिधि भी आ रहे हैं, विधायक उधायक जो भी है, वीडियो सीओ भी। सर सुनने में आया कि यहाँ पे लाखों की संपत्ति सर जल चुकी है, सर क्या ये सर कहाँ तक ये घटना सही है? 100% सही है। सर, और भी सर यहाँ पे एक आदमी को जीने के लिए, जैसा मैंने मुखिया जी के यहाँ भी बोला था कि सर एक आदमी को जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान चाहिए होता है, तो सर आप लोगों के द्वारा यहाँ पे क्या अभी मुहैया करवाया जाएगा? मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा, समाज साथ हैं, हिंदू मुस्लिम टोटल साथ हैं, जहाँ तक होगा किया जाएगा। और सर, आपको और भी कुछ इस संदर्भ में कुछ बताना चाहे तो, या हमारे जो भी प्रतिनिधि लोग हैं उनको? अभी तक नहीं आए हैं, जो भी है मुखिया जी हैं, हम हैं, हमारे BJP प्रखंड अध्यक्ष हैं, ये सब लोग अभी आए हैं, अभी तक कोई नहीं आए हैं, लेकिन आएंगे इतना कंफर्म है। आप लोगों ने शायद फोन किया होगा। आएंगे। आदर्श जी, इस यहाँ पे जो आग लगी है इसके बारे में आप क्या बताइएगा? देखिए, ये खाना बनाने के क्रम में जो है ये आग जो है लगी है और उसके बाद जो है हम लोग को जब जानकारी हुआ है, इसमें कुछ महिलाएं हैं, उनकी बच्चिया की शादी था, उसका कुछ सामान था, रुपया पैसा था, उसमें भी जल गया है। कुछ महिलाएं जो है बहुत सारा कपड़ा था उनके, मतलब कुछ भी नहीं बचा है। तब 6-7 घर में अभी आग लगी है, तो इसमें हम लोग चाहेंगे कि प्रशासनिक विभाग से बात चल रहा है, कि वो लोग भी आ रहे हैं, आलाकमान अपना लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर सही स्तर से जांच किया जाएगा और सभी को मुआवजा के तौर पे सभी को दिया जाएगा। एक सवाल और आपसे है कि यहाँ पे जो दमकल की गाड़ी है, क्या लेट पहुँची है या सही समय पर पहुँची? आज जो है दमकल की गाड़ी सही समय पर पहुँची है और छोटा वाला भी सही समय पर आया, उसके बाद बड़ा वाला भी कॉल किए हैं, बड़ा वाला भी सही समय पर आ गया है, उसके लिए हम भी जो है उनको धन्यवाद देंगे, जो कि हमारा कॉल को इज्जत करते हुए समय पर आ गए हैं।